हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब सॉरी न्यू वीडियो. ठीक है, सो मैं फिर से बोलती हूँ. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो. एंड स्टार्ट करते हैं हमारी आज की न्यू अनबॉक्सिंग. सो वी आर हैविंग न्यू मिस्ट्री बॉक्स इन द हाउस. एंड वाओ, इट इज़ सो हैवी, बहुत भारी है. इसके अंदर क्या है नाम मत देखना, कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं भी नहीं देख रही हूँ. ठीक है, मालूम भी नहीं है. सरप्राइज रखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है, कहाँ से ओपन करूँ? यहाँ से ओपन करते हो, एक मिनट रुको. सो अब ठीक है, वो वाला एंगल ना कुछ ज़्यादा ही इसके पास हो गया था, तो मुझे ना थोड़ा सा दूर रखना ज़्यादा पसंद है, ताकि थोड़ा सा दिखे. यस, आज मैं वैसे मैंने ना जितनी भी वीडियोस बनाई है ना, थोड़ा सा ना थके थके से बनाई है. मतलब वीडियोस के अंदर ना ज़्यादा कुछ उल्लास जैसा नहीं हो रहा, काफ़ी थकावट सी हो रही है. क्या है फिर से ये इतना भारी? आई गेस जिसके लिए मैं लड़ लड़ के मांग रही थी कि मेरे को चाहिए, आई गेस ये वही है. ठीक है, विगल्स. यस, दिस इज विगल्स. देखा, विगल्स देखते ही कैसे मेरे अंदर एकदम जान आ गई. पता है, विगल्स के लिए ना मैं बोल रही थी कि मेरे को भी एक विगल्स का दो, मुझे भी एक विगल्स की अनबॉक्सिंग करनी है, कि मैं भी तो बोलूँ ना कुछ विगल्स के बारे में. मैंने बात करने के चक्कर में यह गलत काट दिया, तरीके से नहीं काटा, ऊपर से फाड़ना था और मैंने ऐसे बीच में से इसमें कट मार दिया, पर चलो कोई बात नहीं. ओके, सो हम हमारा प्रोडक्ट अब जल्दी से बाहर निकालते हैं. एंड यस, सो व्हाट इज दिस? विगल्स कोकोटेल. सो दिस इज़ अ एनर्जी ड्रिंक फॉर आवर डॉग्स एंड कैट्स ऑफ ओल्ड एजेस. ठीक है, एंड मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि कुत्ते और बिल्लियों के लिए भी इतना सामान आता है. हम लोग ने भी कुत्ते बिल्ली पाले हैं, बट कभी इतना कुछ झंझट वगैरह नहीं किया है हमने उनके लिए. ठीक है, कुत्ते वगैरह होंगी, ठीक है, जो रोटी बनी है वो लाइक उनको दे दी. ठीक है, कुछ भी घर पर बना है वो दे दिया, बिल्ली को दूध वगैरह सब कुछ ऐसे पिला दिया, यही सब कुछ रहता है. बट इतना कुछ कि ये ड्रिंक एंड शैम्पू एंड यू नो इतना खाना वगैरह, ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया है. सो कौन कहता है कि कुत्ते लोग यू नो बेचारे होते हैं, कि बेचारे पेट्स या बेचारे कुत्ते बिल्ली, कुछ बेचारे बेचारे नहीं होते हैं. विगल्स वालों ने इतना सारा सामान निकाल रखे कुत्ते बिल्लियों के लिए, पूरा राजाओं जैसा फील देते हैं उनको. तुम आप लोगों को पता भी नहीं होगा इतने सारा सामान है विगल्स का ना, कभी जाके देखना स्टोर, कभी विगल्स लिख के अमेजोन पर सर्च करना, पूरा भरा पड़ा है उनका स्टोर कुत्ते बिल्लियों के सामान से. हमें भी नहीं पता था कि कुत्ते बिल्लियों के लिए इतना कुछ आता है. हर चीज़ है यार उन लोगों के लिए, सिरप बीमारी में, सिरप इनकी इन्फेक्शन के लिए, दवाइयाँ, ईयर के साफ करने के लिए चीज़ें, शैम्पू, ये वो अड़ंग बड़ंग, पूरा जैसे इंसान अपनी ज़िंदगी जीते है ना, वैसे उनके लिए सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़, हर टाइप का प्रोडक्ट उन लोगों के लिए आता है. इतना तो हमारे लिए भी नहीं होगा जितना उन लोगों के लिए आता है. सो इट इज़ काइंड ऑफ यू नो ब्लूविंग नहीं, सॉरी, क्या होता है वो, एक ड्रिंक होती है ना, इसका कुछ ऐसा नाम होता है, टीवी में ऐड आती है, बुल ब्लू, आई डोंट नो, मुझे उसका ना नाम नहीं याद आ रहा. अगर आप लोग को नाम याद आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा. रेडबुल, शायद रेडबुल नाम होता है उसका, दैट गिव्स यू विंग्स, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. बट खैर जो भी है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी ड्रिंक फॉर आवर डॉग्स एंड कैट्स. सो इसकी क्वांटिटी है 400 ml. एंड ये ना क्या करता है बेसिकली, कि जैसे जो कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है, अब वो ना अगर उन्हें डिहाइड्रेशन जैसा फील होता है अपने अंदर, पानी की कमी, जिसकी वजह से उनके अंदर अगर फटीग आता है, ठीक है, मतलब थकावट आती है, तो ये पीने से ना उनकी जो डिहाइड्रेशन है वो दूर होती है, एंड ये उनको ना एनर्जी देता है.
सो ये सारी तो होगी कहने वाली बातें। मेन तो जैसे हमारे लिए हमें पानी की मात्रा पूरी रखनी चाहिए, वैसे कुत्ते बिल्लियों को भी अपनी पानी की मात्रा पूरी रखनी चाहिए, ठीक है। और बिल्लियों को तो बहुत पानी मिल जाता है क्योंकि वो तो पीती ही दूध हैं, तो कुत्ते वगैरह के लिए भी अपनी ना उनको अपनी जो मात्रा है ना वो पानी की ना पूरी रखनी चाहिए। अगर मैं इसके बारे में आपको ना कुछ और बताऊँ तो ये 200 ml का पैक है एंड ये 200 ml का पैक है। सो ये दोनों अलग अलग परचेज नहीं किया था हमने, इन दोनों का कॉम्बो था एंड टोटल कॉस्ट हमें इसकी मतलब पैक ऑफ टू के लिए हमें पड़ा था ₹298 एंड आई गेस ₹298 इज़ वेरी मच अफोर्डेबल, ठीक है। मतलब अफोर्डेबल ही है, हमारा कोक और मिरिंडा स्प्राइट की जैसे 20-20 रुपए वाली बोतल तो नहीं आती। अब कुत्ते लोग भाई महाराज लोग हैं तो उन लोग के लिए इतना महंगा महंगा तो आएगा ही, इतना तो हमारा महंगा भी नहीं आता जितना इनका महंगा आ रहा है। खैर सो इस ड्रिंक के अंदर ना चिकन बोन ब्रोथ है, ठीक है, जिसके अंदर ना कोलाजन, सल्फेट, प्रोलाइन ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती है और जो मदद करती हैं टिश्यू बिल्डिंग में, ठीक है, जो पेट्स की टिश्यू बिल्डिंग के अंदर ना मदद करती है। और ये आपके पेट्स के लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी, लीवर एंड किडनी दोनों को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगी, गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगी, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी एंड उनकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बने, ग्लोई बने, उनके जो फर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्मूथ बने, सॉफ्ट बने, तो उसको प्रमोट करेगी। एनर्जी के साथ साथ ये सारे काम भी करती है डिटॉक्सिफाई करने का, ठीक है। और इसके अंदर कोकोनट वाटर है तो ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होल्ड होगा, ठीक है, तो मॉइस्चर होगा तो अगर कोकोनट वाटर जैसे हम पीते हैं ताकि हमें डिहाइड्रेशन फील ना हो, हमारी स्किन ग्लो बनी रहे, ठीक है, मतलब हमारी स्किन ग्लोई बनी रहे, तो वैसे ही कुत्ते लोगों के लिए भी यहाँ पे कोकोनट वाटर भी इसके अंदर है ताकि उनको डिहाइड्रेशन फील ना हो एंड उनको लाइक उनकी जो स्किन है उस पर ग्लो बना रहे, ठीक है, और उनकी जो स्किन है वो थोड़ा सा कूल डाउन भी हो अंदर, मतलब जैसे हम कोकोनट वाटर पीते हैं गर्मियों में थोड़ा कूल डाउन करने के लिए खुद को, तो वैसे ही उन लोग के लिए भी है कि गर्मियों में ऐसी चीज़ें पियो ताकि थोड़ा सा कूल डाउन हो सको, ठीक है। इसको आप ना किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे कोई भी पेट फूड है, आपने मील बिछाया और उसके ऊपर आपने थोड़ा सा ड्रिंक गेर के, ठीक है, एट द टॉप, और आपने उसको उनको दे दिया, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको ना एज अ ड्रिंक भी सर्व कर सकते हो, या फिर आप ना क्या कर सकते हो आइस ट्रेस के अंदर भी आप इन ड्रिंक्स को ना फ्रीज कर सकते हो और फिर आप उसको उनको दे सकते हो, तो उस तरीके से भी वो पसंद करेंगे लेना। आई डोंट नो कि इसको फ्रीज करके आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बट यस आप इसको ऐसे भी दे सकते हो। सो क्या कहते हो कि इसको ओपन करके देखें कि कैसा है देखने में, टेस्ट करना चाहता है क्या कोई, हाथ उठाओ जो टेस्ट करना चाहता है। अच्छा ठीक है, तो ये ना मतलब सील्ड है, तो इसको मैं खोल लूँ क्या, ऐसा तो नहीं है कि खोल के इसको अभी ख़त्म करना पड़ेगा। इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। इसकी ना स्टोरेज के बारे में तो ना ये लिखा हुआ है कि इसको ना कूल एंड ड्राई प्लेस के अंदर रखना है, और अगर आपने इसको ओपन कर लिया तो इसको रेफ्रिजरेट कर लेना, और फिर विद इन सेवन डेज के अंदर ना हमें ना इसको कंज्यूम करना ही करना है। और अगर ये बोतल कहीं से भी लीक हो या फिर पफ या फिर अगर कहीं से भी सील वगैरह इसकी ब्रोकन हो ना तो आप इसको ना कंज्यूम मत करना। तो हम देख लेते हैं कि हमारी सील वगैरह कहीं से ब्रोकन तो नहीं है, हमारी सील वगैरह कहीं से ब्रोकन नहीं है, और हम ना इसको ओपन करके देखते हैं, ठीक है। वैसे ये मेरे लिए है तो नहीं, बट अगर मैं ये कंज्यूम कर लूँ तो कुछ दिक्कत है क्या, क्या कुत्ते नाराज़ हो जाएंगे? थोड़ा सा मेरे चक्कू ने भी पिया है, देखते हैं कि इसके अंदर से ना कैसी खुशबू आ रही है। पहले तो आप लोग देख लो किस तरीके का ड्रिंक है, लेमन जूस जैसा सा लग रहा है ये, देख लो अच्छे से, अच्छी बहुत गंदी बदबू आ रही है। मैं नहीं पी रही, पहले मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा चाट के देख लूँगी बट मैं नहीं पी रही हूँ। यार इतने खानों में ना इतनी गंदी स्मेल क्यों आती है ना, मैं मर जाऊँगी अगर मैंने इसको पी लिया तो। मैं नहीं पी रही हूँ भाई, थोड़ा सा हाथ लग गया, चाट के देखूँ क्या, तो मैंने चाट के देखा कुछ भी टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है बिल्कुल।
खैर ठीक है, अब मैं इसको ना रेफ्रिजरेट करके रख दूंगी जल्दी से, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसको रेफ्रिजरेट करके रखना है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, एंड अगर आप लोग भी अपने कुत्ते बिल्लियों को एनर्जाइज फील कराना चाहते हो, उनके लिए ड्रिंक्स लेना चाहते हो, उन्हें पैम्पर करना चाहते हो, तो आप उन लोगों के लिए ले सकते हो। लिंक्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर छोड़ देंगे। सो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, एंड हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।